इस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ रोबलॉक्स। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं सर्कस ट्रिप, जो एक होने वाला स्टोरी गेम रोबलॉक्स में। और अपना गेम वैसे पहले स्टार्ट हो चुका था, अपने एक मतलब ट्रिप पे ही आए कैंपिंग के लिए। अभी आके हम लोग इधर बैठ चुके हैं, बीच में आग जल रही भाई, बड़ा अच्छा मतलब माहौल है। और क्या चल रहा है बाद में, बाकी बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं और एक अपना मतलब गाइड जैसा कोई है जो अपने बताएगा क्या करना। मतलब इधर आपको ये कंसीलर और ये हमको एक स्टोरी सुना रहा है, और एक साथ में बच्चा भी है जो मतलब ये दो हैं वो इस गेम के साथ ही आते हैं। और फिलहाल अपना भाई ये टैंकर थे वो लीक हो चुके पानी के, जो अपने कैंपिंग के लिए लाए थे, कैंपिंग के लिए। अब ये काउंसलर बोल रहे हैं हम क्या कर सकते भाई, और अभी शायद वो नदी में पानी लेने जा रहे हैं। और वो ये देखो आग के ऊपर खड़े हो गए, कुछ नहीं होता। और ये बच्चा डर रहा है कि अब वो ज़्यादा देर तक तो नहीं रहेगा दूर। ठीक है भाई, लिखा हुआ है भाई थंडर स्टॉर्म आए। ओ मैं तो भाई इधर से इधर उधर भाग रहा हूँ, ट्रैक्टर में नहीं जा सकते कि। ओ भाई ये क्या मेरे ऊपर ही गिर गई बेचेंगे, आग लग गई थी भाई। अब तो मैं भाग रहा हूँ भाई, अभी क्या हो रहा था ये बीच में, कुछ आपने देर देखा एक तो मुझे कुछ समझ में नहीं रहा इधर क्या हो रहा है। ओ भाई वापस भी नहीं गिर रही, मैं बस इधर उधर भाग रहा हूँ भाई, टेंट में सारे आग लग सकी। और भाई सब भाग रहे हैं, कुछ का तो पूरा है मतलब भाई अब तो ख़त्म हो गया, मैंने बीच में से बहुत कट कर दिया। और एक किड बोल रहा है आई एम वेरी स्कैर्ड, जब तूफान आया था तो ये बहुत डर गया था, इंट्रोड्यूस कंसीलर को बोल रहा है। और ये भाई कहाँ चलती रहती, स्टोरी मोड है तो कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। और जो अपना कंसीलर है उस वो अटैक वो मतलब उसके ऊपर वर्फ ने अटैक कर दिया था बेड़ियों ने, तो अब ये जगह सुरक्षित नहीं रहने के लिए हम जाएंगे अब वापस अपने बस के पास जाते। अपने बस के पास ये रही अपनी बस। और हाँ भाई ये मतलब बोल रहा है कि कोई नॉइस नहीं हो रही। ओ भाई इंजन कोई भी नॉइस नहीं कर रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, क्या कर सकते। अब हम क्या करने वाले ये मुझे कुछ नहीं पता। और अभी काउंसलर बोल रहा है कि मैंने एक थोड़ा मतलब दूर एक सर्कस देखा था जहाँ हम लोग जा सकते शेल्टर के लिए। और ये काउंसलर कह रहा है कि हमारे पीछे वर्फ आ सकते हैं तो सब साथ में रहो। और भाई इसके टी शर्ट पे सब खून लगा हुआ है। अभी हम धीरे धीरे इसके पीछे जा रहे हैं, काउंसलर को क्या पीछे उसका पीछा कर रहे थे। और अभी काउंसलर जा रहे हैं दूसरी साइड, क्योंकि ये बीच में जब भी एयर ट्रैप है उस पर उनके पास ही टॉर्च है तो हमको रास्ता दिखाएंगे। ओके डोंट बैंग एनी थिंग वर्स बेस्ट एवरी ऑन दोस ट्रैप्स, तो कह रहे कि भाई उसके ऊपर कोई पैर रखो मत नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे किसको शौक आता है इसके ऊपर पैर रखने में। बाकी अभी आगे तो इधर से जाना है, लेकिन अभी जा नहीं सकते क्योंकि सारे प्लेयर आ जाएंगे तब वर्स्ट होगा। फिलहाल तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, थोड़ा पीछे रहते भाई, वापस जब सब प्लेयर आ जाएंगे तब अपने उधर आगे भी जा सकते हैं। नीचे भाई मकड़ी के जाले इतने बड़े बड़े भाई, जंगल में ही होता है, एक भाई गिर भी गया, बस अपने तो पहुँच गए। अब यहाँ थोड़ा बस भाई पहुँच गए। ये पता नहीं कौन से मशरूम है जो इतने चमक रहे भाई, क्या हो रहा है। और अभी अपने सामने काउंसलर और कीड़ है,
एक बच्चा छोटा सा, वो बड़े स्पीड में भाई भाग रहे, मैं पीछे पीछे चलता रहता। और एक एवरेज कम ऑन द वाटरफॉल इज राइट डाउन द हिल। तो अभी हमको ये पार करना है ब्रिज। ओ भाई ये टूट गए, लगता है अब हमको भी नीचे उतरना पड़ेगा। अभी मैं नीचे आ गया। और ये क्या भाई, अब हमको लगता है इधर से जाना पड़ेगा। चलो भाई, ये शायद आइस लैब्स तैर रहे इस पे नदी में, अब हमको इसके ऊपर से जाना है। चलते हैं भाई फटाफट इसके ऊपर से भी। वैसे गेम भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सर्कस इतना भी कितना दूर है भाई, कितना टाइम लगेगा। अभी हम लोग इधर पहुंच चुके हैं, तो सर्कस स्ट्रेट है लेट्स गो। तो अभी इधर से सीधा ही है, हम थोड़ा आगे जाएंगे तो सर्कस पर पहुँच जाएंगे। और ये सामने से कौन आ रहा है भाई टॉर्च लेके? पार्क रेंजर सन ऑफ अ बिस्किट है वो आ रहा है। इम्पोवराइज वेर माई नेम इज एस प्रो यूट्यूब भाई, अपना इंट्रो दे रहा हूँ। ओ आई कैन नॉट टॉक सर, सर प्लीज नाउ नॉट टाइम टू टॉक थिंग्स लाइटली। चलो भाई पार्क रेंजर आ चुका है, पता नहीं ये क्या करने वाला है। आई एज्यूम डेट यू आर थॉस हाइकर सो स्ट्रेंथ गॉड वर्क। और मतलब ये बोल रहा है कि तुम लोग वही कैंपर हो जिनके थंडर स्टॉर्म की वजह से टेंट जल गए थे। तो भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं ही बचा हूँ, इससे और कोई बचा ही नहीं शायद, तो मैं ही जवाब दूँगा और क्या। तो अभी अपने क्या बात चल रही है मैंने मुझे देखा ही नहीं, समझाते के चक्कर में। कोई बात नहीं, अभी हमने जा रहे होंगे उधर ही सर्कस पे। ओ भाई पहुँच गए हम तो। आई होप यू ऑल इन्जॉय द शो, आई विल बी गोइंग नाउ, आई हैव द ड्यूटीज टू टेक केयर ऑफ। तो पार्क रेंजर अभी अपनी को इधर ही छोड़ के जा रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी निभाने, उनको बहुत से काम होते होंगे। अभी फिलहाल अपने सर्कस में तो पहुँच जो के सामने और कंसलर बोल रहा है कि थोड़ा चलो टी को मैं सोडा पिला देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आ चुके हैं शॉप पे, यहाँ से शायद अपने को मिलेगा। आई विल हैव 3 ब्लॉक्स ऑफ कोला, अ लॉट ऑफ बॉक्स ऑफ कोला, हैव अ नाइस शो सर। तो अभी अपन शायद शो में जाने वाले। और भाई ये तो बड़ा तेज भाग के, कोई बात नहीं अपने ट्रिक भी नहीं है, आगे चलते। वेलकम भाई, ये कौन है? यही है अपना सर्कस का होस्ट। आई मेरा होस्ट ईगल्स, वेलकम टू माई सर्कस। तो ये ईगल्स है, मुझे लगता है ये इसका सर्कल के सर्कस है। और यही है यहाँ का होस्ट या लीडर जो भी है सबका, ये मालिक भी हो सकता है, पता नहीं भाई अभी क्या सोच रहे हैं। एज पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट एक्ट वी विल बी लॉन्चिंग बूबू स्ट्रेट टूवर्ड्स वन ऑफ अवर डियर स्पेक्टेटर्स। अच्छा भाई न्यूज़ आप पीछे देख रहे हो ना, उसमें से एक मतलब इनके साथी को ऑडियंस की तरफ छोड़ने आ हैं, उड़ाने आ हैं तोप से। ठीक है भाई, ये तो तोप के साथ पूरा गायब ही हो गया, कहाँ गया? पर ये पता नहीं क्या मजाक कर रहा है, मुझे तो हंसी नहीं है। डेट्स एट श्योर वेट आउट विद अ बैग, मेरे कुछ समझ में नहीं है। बुबू इज फाइन एवरीवन, वी आर ट्रेन प्रोफेशनल, ये बोल रहा है कि वो सही है, बुबू जो भी उसका नाम है वो सेफ है क्योंकि वो प्रोफेशनल है ये सारे। एनी शो हाउ मैनी क्लाउड्स डज इट टेक टू एक्सप्लोर द कैनन, आई डोंट नो हाउ मैनी, किड बोल रहा है मुझे नहीं पता भाई कितने क्लाउन चाहिए कैनन को एक्सप्लोर करने के लिए। सर ये बोल रहा है एक तो, एक से ही तो फूटा था भाई, बेवकूफ आता नहीं इतना भी, बच्चा ही है वैसे क्या कर सकते हैं। वी कैन नॉट जॉक अराउंड ऑल नाइट वेल वी कैन बट ही वॉल्ट, यू ऑन क्रेजीज बट अफेयर्स लेडीज इन प्रिपेयर फॉर द अमेजिंग लेजेंडरी लाला दत्त जेस्टर। तो अभी ये क्या हुआ, ऊपर रस्सी आ गई,
लाला द जेस्टर है, वो अपने को यूनिसाइकिल से ये रोप पे अपना मनोरंजन करेंगे हमारा जब हम तीन इधर बच्चे हुए। कीड कंसिडर और मैं बस रियल प्लेयर्स में तो मैं ही हूँ, बाकी वो सब तो गेम के साथ आते ही। और एक है भाई रस्से टूट के गिर गया, कपड़ा कपड़ा हो गए, इसका तो कुछ बोल ही नहीं सकता। नेग नेट वाज द लास्ट वर्ड, ये क्या बोल रहा है, ये वो तो लास्ट वर्ड, अब घबरा गया, इसकी असलियत निकल गई। Since the show has been going great day, I will pick members from the audience to perform along with us. तो अब ये ऑडियंस में से किसी को लेना पूरे यार, मैं तो अकेले ना, तो मुझे लेना। कम ऑन आउट, डोंट बाइट। अच्छा आई डोंट बाइट होगा, मैं खाता नहीं हूँ, तुमको निकलो बाहर। नाउ यू विल वेट एट आवर एज यू विल फुट माई सर्कस ऑन माई बैक। आई सेड यू बेटर डांस जैप यू विथ सैफ और ड्रॉन। तो ये मशीन है भाई, अपने डांस नहीं किया तो वो वही करंट लग गया। हंस रहा है क्या, मार खाएगा। डांस डांस इफ यू डोंट वॉन्ट द जैप। वाह भाई क्या डांस कर रहा है, एक ही स्टेप बार बार कर रहा है, लेकिन अच्छा है वो। यू डांस प्रिटी गुड, यू आर डेस्ट टाइम। अरे भाई पढ़ने तो दे। ऑन टू द नेक्स्ट एक्ट, अपने दूसरे एक्ट के अवर न्यू रिक्रूट विल हैव टू जंप थ्रू दिस फायर होल्स। तो हमको अभी ये फायर जो भी है उसके बीच में से कूदना है। फिलहाल अपने सीधा सीधा जाते इधर भाई, अभी उधर मैं आगे तक पहुँचाऊँगा क्या, मुझे लग नहीं रहा। कोई बात नहीं, जब तो करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। चलो ये अपने पार कर लिया अभी। डेट वॉज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस भाई, ठीक है जबरदस्ती करा रहा है, अच्छी बात तो नहीं। इजी टू लेट कूल डाउन अवर यंग एस्केप दिस रिस्किंग टाइप ऑफ वाटर। इपेल्स और यंग रिवील्स टीम विद द फिश। अब ये जो पूल है पूरा पानी से भर रहा, ओ भाई अब हमको शायद इससे, मतलब मुझे इस सेट पानी भरने लगा भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा, इधर फिश भी है थोड़ी, इसके ऊपर जंप कर करके आगे जाना है, तो इसके आगे कहा जाओ। अरे यार मिस हो गया, वापस जाना पड़ेगा, एक और बार वापस ट्राई करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। इट अमेज ऑल द स्विमिंग मस्ट हैव मेड यू हंग्री, ये बोल रहा होगा तुमको स्विमिंग करके, मतलब भूख लगी होगी। फॉर दिस एक्ट ऑडियंस विल बी, पता नहीं बट वॉच आउट इट हर्ट्स ऑल इम्पैक्ट। अपने कुछ पढ़ने वाले भाई, इतनी घटिया परफॉर्मेंस, कोई बाई लग रही है, पता नहीं क्या भाई, मैं तो इधर उधर जा रहा हूँ, इससे डैमेज हो रहा है, खतरनाक वाला है। अभी आगे क्या होने वाला मुझे कुछ पता नहीं भाई, मैं तो दौड़ रहा हूँ बस। वैसे मैं बीच में क्यों जा रहा हूँ, इसके पीछे अगर मैं छुपने की कोशिश करूँ तो नहीं छुप सकता भाई, ये कब खत्म होगा भाई। चलो अब ये खत्म हो चुका है, अभी क्या है। आर यू ऑल राइट सिम्स लाइक यू हैव टू मच पाई टू ईट, हमको भाई बहुत पाई पड़ी, ठीक है। ओह भाई ये तो कॉन्सिलर को खा गया, ये क्या हो रहा है, मेरी डॉक्टर कोई मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपने कहाँ गए, ओह भाई ये डर गया मैं, ये भाई ये तो बहुत है भाई, गोस्ट है ये, लेकिन भाई अपने इधर से बाहर कैसे निकलेंगे। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हियर यू विल बी सेफ, ये बोल रहा है इधर तुम सेफ रहो, कहाँ जा रहे हो भाई, बंद कर गए, ऐसा थोड़ी होता है। कौनसिलर को खा गया ये तो, क्योंकि वो बड़ा था इनके साथ पिट कर, मतलब वो इस कोई काम का भी नहीं था और इनसे लड़ भी सकता था। वो आई डिड मिस यू आर वर डेड देयर, अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम चिंता नहीं रहेंगे, समटाइम्स डेड इज़ बेटर, ये तो बोल रहा है। कभी कभी मरना अच्छा,
क्या बोल रहा है भाई? बट आई लव यू. क्या बोल रहा है? वेरी मच, वेरी वेरी मच. ठीक है भाई, ये बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छी ट्रिक्स करते हो. मैं तुमको इसलिए यहाँ रखा है मैंने. और बाकी वो तो चला गया, अभी मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से निकलने का मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है. डोंट वांट टू डाई भाई, ये लिखा हुआ भी आ रहा है. वी नीड द गार्ड की टू एस्केप. पहले मैं तो निकलूँ, गार्ड की कहाँ से लूँगा. इट बोल रहा भाई गार्ड की चाहिए, गार्ड से की लेनी पड़ेगी. लेकिन मैं निकलूँ कैसे? शायद पिंजरे को थोड़ा हिलाऊ तो शायद मैं नीचे आ जाऊँ. ओ पिंजरा खुल गया, कोई बात नहीं, मतलब अच्छा हुआ नीचे आ गए. और यहाँ पे किड भी फंसा हुआ है और हमें गार्ड से की लेनी है. ये रहा भाई गार्ड, इससे की ले लेते. की लेनी कैसे? टैप करने से नहीं होगा, पास में जाइए. चलो मिल गई, अपने पास की मिल गई. जल्दी फटाफट भाई, ये खतरनाक जगह से निकलते हैं. इसको अनलॉक करके खुल जा भाई जल्दी. क्या अनलॉक नहीं हुआ? कोई आ तो नहीं है? कुछ हुआ भाई? क्या हो? नहीं भाई, थोड़ा दुबटर दब गया. कोई बात नहीं, अपना बाहर निकल चुका है. और थैंक्स फॉर सेइंग माय लाइफ इज थ्रू यूट्यूब, क्योंकि मैंने यूजर नेम में वही नाम लिख के रखा है. और लेट साइड बिफोर द वेड, आई डोंट नो. हमको कहीं छुपना पड़ेगा भाई क्योंकि ये वापस आएंगे. तो फिलहाल थोड़ा भाई ब्लॉक्स बोला पड़ा था अपने पास, फिर थोड़ी टेंशन हो रही कहाँ जाए. और ओ भाई एक मिनट, यहाँ से तो अपने ऊपर चढ़ सकते. यहाँ से चलते भाई ऊपर. यहाँ भाई अच्छे सुपने की जगह है. आई फाउंड द नेट, लेट्स यूज इट टू हाइड इन द सीलिंग. हाँ भाई अच्छी बात है, ग्रेट थिंकिंग. अभी यहाँ छुप के हम क्या कर सकते पता नहीं. और वॉट आर यू डूइंग? यू कैन नॉट लीव द लेटर बिहाइंड. दे विल नोटिस इट वंस दे सी स्नेक आउट. यार हमने ये सीढ़ी ऊपर करके बहुत बड़ी गलती कर दी, उससे उनको पता चल जाएगा क्योंकि बफर ही. अब उसे तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा भाई आगे. ये बहुत हॉरर गेम हो चुका है अभी. ओह भाई क्या ही क्या होता है इंसानों के साथ. और बहुत कोशिश करने के बाद मुझे ये 100 महीने इसे हो गई तो मैं फिर कर लिया. मैंने कुछ किया नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया भाई. वो ही इज़ डेड. तो भाई वो शायद नीचे गड़ा था, मैंने भी देखा नहीं. वो शायद अभी मर चुका है. ये कौन है? किड व्हाट वाज दैट? मुझे बोल ही मत बा. किड गेट मी आउट ऑफ देयर. व्हाई शुड आई? तो किड ये जो भी है फर्स्ट एज बोल रहा है, बंदी है जो, वो बोल रहा है मुझे यहाँ से बाहर निकालो. तो दिस क्लाउड्स दे टू केयर फॉर मी, आई हैव सफर्ड हियर फॉर इयर्स. तो ये बहुत सालों से यहाँ मतलब पकड़ा हुआ है, पकड़ के रखा है क्लाउड्स ने, जो जोकर से जो भी है उसको क्या बोलते हैं. पुट मी एट लीस्ट आउट ऑफ माई मिजरनी. आई डोंट थिंक वी शुड किल हिम. तो भाई कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा. I am only helping you because you said you not. और भाई ये किड मेरे से 100 मांग रहा है. थैंक्स किड. तो अभी शायद हमने उसको बाहर निकाल दिया, कहाँ से निकाला वो पता नहीं. ये आई विल, अब ये शायद हमको रास्ता बताएगा आपको सर्कस से बाहर निकलने का, क्योंकि उसको पता है. और आगे क्या आने वाला है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है. मैं डर गया भाई, कौन है? फर्स्ट एज ये. आई विल कनेक्ट द पुलिस विजिन व्हाट्स लेफ्ट फ्रॉम द क्राइम सीन. उसने मतलब पुलिस को कॉन्टेक्ट कर ली. अभी हम लोग कहाँ भाग रहे, मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई. मैं तो बस फॉलो कर रहा हूँ इसको. पर ये तो कोई क्राइम सीन लगता है. ओ भाई मैं डर गया है यार, क्या डर. ये हॉरर गेम कितना भाई, इधर किसी मतलब भाई क्या इधर हुआ था जो क्राइम से होता है. वहाँ पे बॉडी का मतलब कैसे थी, उसके लिए जॉक्स आउटलाइन बना देते उसकी.
तो इससे पता चलता है कि फैमिली नहीं, और ये फिलहाल भाई कोशिश कर रहा है 911 पे कॉल करने के। भाई और वेर बिन खुश बे मर्डरर्स, तो भाई इसने पुलिस को 911 पे फ़ोन लगा दिया है, जो कि है अमेरिका का यानी यूनाइटेड स्टेट्स का इमरजेंसी नंबर, जैसे अपना पुलिस का 100 होता है उनका 911 होता है। तो ये शायद अमेरिकन गेम है, हमको पता, मुझे कुछ पता नहीं। वैसे अब क्या होने आता है भाई, आई एम क्रेजी, प्लीज लेट मी यूज द फायर प्लेस, जस्ट बी क्विक, विल डू। बिट्री राही ने ना फायर प्लेस अपने को जलानी है शायद, और ये भाई लकड़ियाँ ला के फटाफट रख दिया इधर। मुझे क्या करना है वो मुझे पता नहीं, दाग कहाँ से रहा है। मुझे फिलहाल भाई ये जगह को देख डर बहुत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, सिर्फ कैंडल्स चल रहे हैं, और ये यहाँ पे ला ला के फायर प्लेस पर लकड़ियाँ रख रहे हैं ताकि बाद में जला सके। भाई यार मैं अब भी बहुत डर रहा हूँ इससे। डोंट फॉरगेट टू बैरिकेड द डोर्स किड, तो वही डोर बंद करें। अरे भाई बच गया मैं यार, डोर बंद कर दिया था। अभी ये किड तो भाई बहुत ताकतवर निकला, सोफा खिसका के दरवाजे के सामने लगा दिया। ओ ये क्या भाई, ओ भाई यार सारे भूत तो इधर ही है भाई, अब क्या करें। अब तो इसके पास ही, ओ भाई इसकी एक आँख कहाँ गई। ये सारे भाई इधर आ चुके, अब हमारा क्या होने वाला है। प्लीज डोंट टेक मी फॉर माई हाउस अगेन, प्लीज आई योर होम। भाई ये अब चल क्या रहा है, ये जो मर्डर इन लोगों ने किया था, जो भी इधर कोई इंसान था, क्राइम सीन है ये। और भाई ये हमको डरा रहे हैं, अभी क्या होने वाला है भाई, क्या करेंगे। द क्राइम सीन डिड नॉट गेट बेसिकली एवेंटेड ऑन बाई इटसेल्फ, तो ये ऐसे ही मतलब क्राइम सीन लावारिस सीन क्या बोलते हैं, जो भी हो खाली कैसे हो गया, ऑटोमेटिकली ये नहीं होता ऐसा, ये बोल रहा है हमारी वजह से हुआ है, नहीं तो कोई इधर रहता। और अब ये बोल रहा है कि ये हमको खाएगा, और फिर क्या क्या चल रहा है, और ये जो भी था, क्या नाम था इसका, जो भी कैदी था वो उसके ऊपर भाई, और भागने की कोशिश करते अपने भाई, कहाँ की कहाँ है कि इसके पास की है, अभी यहाँ से हम लोग भाग सकते, जल्दी भाई फुल भागते बाहर फटाफट। ये सामने भाई मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, बस किट दिख रहा है, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। ओह ये दीवार का शायद, कोई फटाफट भागो। अभी अभी कहाँ जा रहा है, व्हाट इज प्लेमिक, दिस इज ब्रूस, आई एम गोइंग टू डू अ रिजर्वर ऑफ पार्क। ये तो पार्क में जस्ट कहाँ से है, फोन पे बात कर रहा है। हाँ भाई ओके टॉकी पे बात कर रहा है, अभी यह करना है। नॉक नॉक, ओ भाई आ गया, भागो भागो भाई कहाँ जाए यार, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में। What about that?